जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने किया लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी। पुनीत गुप्ता के खिलाफ डीकेएस अस्पताल से 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप लगाया हुआ है। पिछले कई दिनों से पुनीत गुप्ता फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस को आशंका है कि पुनीत गुप्ता अपने राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर विदेश भी भाग सकते हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर नोटिस को जारी किया है, जिसमें जल्द ही पुनीत गुप्ता का पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकेगा। विगत दिनों गोल बाजार थाना क्षेत्र में एक FIR हुआ, जिसमें डीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कुछ विसंगति सामने आई थी। उस पर से 420, 467, 478, 471 IPC का मामला पंजीबद्ध है। उसमें लगातार हमारी जो विशेष टीम है उसमें जांच कर रही है, और इनको जो इसके मुख्य जो आरोपी हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता, वो कई बार नोटिस उनके घर पे संभवित उनके निवास स्थान पर भिजवाए गए। उस पर अभी तक ना उनके वकील के माध्यम से ना स्वयं के माध्यम से अभी तक ना उसकी कोई जानकारी आई है, और ना ही वो कथन के लिए उपस्थित हुए हैं, ना ही विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। हाँ, इस पर से अभी आज लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, और जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको इसकी जानकारी दे दी गई है। और आज भी उसके जो डीकेएस हॉस्पिटल है उसका जो लॉकर है उसको भी चेक किया गया, उसमें ऐसा कुछ आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। और इसके अभी जो राजेंद्र नगर स्थित ऑफिस है वहाँ पर भी अभी हमारी जो टीम है वो चेक कर रही है, और चेकिंग के दौरान और भी अगर कुछ बात सामने आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अब क्या है, उनको तेज कर दी जाएगी क्या गिरफ्तारी? लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है, क्योंकि ऐसे में विदेश भागने की भी अगर निश्चित अभी सभी जगह को बता दिया गया, और अब हम लोग इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अगर अगर इस टाइप की अगर संभावना प्रतीत होगी निश्चित ही हर जो संभावित स्थान है रुकने छपने वहाँ पे हम लोग की